क्लीयरेंस के चल रहे फॉर्मलडिहाइड प्लांट को बंद करने के आदेश दिए हुए हैं, लेकिन भिवाड़ी के इंडस्ट्रियल एरिया में साल 2006 से बिना एनवायरमेंट क्लीयरेंस के फॉर्मलडिहाइड प्लांट चल रहे हैं। भिवाड़ी में 10 फॉर्मलडिहाइड प्लांट बिना एनवायरमेंट क्लीयरेंस के धड़ल्ले से चल रहे हैं, जबकि पॉल्यूशन विभाग और अन्य विभाग भी इस ओर से आंख कान बंद किए बैठे हैं। अभी हमने राजस्थान में ग्रीन गेटिंग प्रोग्राम शुरू किया है सीआईआई के साथ मिलकर। इसमें जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी नॉर्म्स को फॉलो करने के साथ साथ बिजली पानी बचाने में उन्होंने क्या कार्रवाई की है, वेस्ट को यूज करने में उन्होंने कितनी मेहनत की है, इन सबको देखते हुए उनको रेटिंग दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि देश में ये पहली बार कोई राज्य मंडल इस तरह की ग्रीन गेट इंडस्ट्रीज को बीच में छूट देगा, उनकी जो कंसेंट का पीरियड है उसमें छूट देगा। तो ये अपनी तरह का राज्य में और देश में पहला प्रयोग है। मैं एडवोकेट विनीत नागर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी है एनजीटी में, और उस एनजीटी में मैंने बहुत सारी कंपनियां हैं पूरे देश भर में जो कि फॉर्मेलिटीड और से बनी रेजिन में ऑपरेट कर रही हैं, और वो भी बिना किसी इन्वायरमेंट क्लियरेंस के। इन्वायरमेंट क्लियरेंस जरूरी होता है कभी भी ऐसी कंपनी को ऑपरेट करने से पहले। मैंने ऐसी 34 कंपनियों की लिस्ट एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली को दी, प्लस और सारी स्टेट के सेक्रेटरीज के थ्रू सारे कंपनीज को मैंने एक रेस्पोंडेंट बनाया है। और इस 3 जून को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली ने ऐसी किसी भी कंपनी जो कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस के बिना ऑपरेट कर रही हैं, इन सबको बंद करने के आदेश दिए। और इस वक्त